विंस लोम्बार्डी का एक कोट है कि विनिंग इज अ हैबिट एंड सो इज लूजिंग। यही बात हम मैच से पहले भी कर रहे थे कि पाकिस्तान हारती हुई आ रही है और विनिंग सिचुएशन से भी चौक कर सकती है। फर्स्ट इनिंग्स के बाद भी जब पाकिस्तानी फैंस मजे कर रहे थे कि यार इंडिया को तो हमने 120 पे आउट कर लिया, मैं और मुहित चैट में यही बात कर रहे थे कि जब तक विनिंग लाइन टच ना की हो अभी भी हम चौक कर सकते हैं। दे चौक्ड एंड दे चौक्ड बैडली, मतलब रन अ बॉल से आ गए एक और 18 रन पे। मुहित को मैंने बुलाया, जब भी कोई डीप वीडियो बनानी होती है मैं मुहित को बुलाता हूँ क्योंकि ही चूजेस ऑल द वर्ड्स वाइसली। तो कहाँ पे गलतियाँ हुई और कुल के क्रिटिसिज्म करनी है अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि बाबर आजम पे बात नहीं करनी, रिजवान पे बात नहीं करनी, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं होता। कहाँ पे गलतियाँ हुई, पाकिस्तान ने प्लॉट कब लूज किया और किस किस प्लेयर की गलती थी बैटिंग में? हाँ, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि जब इंडिया 119 पे ऑल आउट हो गई थी ना तो सारे फैंस ये कह रहे थे कि यार वी हैव डन अ मैसिव जॉब कि हमने 119 पे इंडिया को आउट कर लिया है और हम 10 विकेट या 9 विकेट या 8 विकेट से जीत जाएंगे। मैं बहुत सारे ट्वीट्स पढ़ रहा था, पोस्ट वगैरह देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो ऐसा कभी भी नहीं था। मैंने मुदस्सिर को चैट में यही कहा था कि इस पिच पे 100 से अगर थोड़ा सा भी स्कोर ऊपर हो जाए ना तो वो बहुत मुश्किल होता है, और इंडिया जैसी टीम अगर वो 89 फॉर 3 थे एक टाइम पे 11 ओवर्स में और सडनली 97 फॉर 7 और 119 ऑल आउट हो जाए तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट इजी टू बैट। पाकिस्तान की गलती ये थी ना कि अगर हम इंडिया की बैटिंग देखें तो उन्होंने फर्स्ट 6 ओवर्स में या फर्स्ट 10 ओवर्स में जितनी तेजी से बैटिंग की 81 रन बनाए। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में बॉल बैट पे बड़ा इजिली आ रहा था, पिच में इतना मूवमेंट नहीं था फर्स्ट 10 ओवर में, अगर मूवमेंट था भी तो बॉल हार्ड था और इट वॉज कमिंग इजिली ऑन टू द बैट। पाकिस्तान ने गलती क्या की, मैंने ग्रुप में वीक मैसेज किया कि यार ये हिटिंग क्यों नहीं कर रहे, तो एक बंदे ने जवाब दिया कि यार जरूरत ही नहीं है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, रिस्क लेने की जरूरत थी। इवन द टारगेट वॉज रन अ बॉल, लेकिन हमें पता है कि इस पिच पे फर्स्ट 10 ओवर्स के बाद फिर बॉल बड़ी मुश्किल से लगता है, बॉल सॉफ्ट हो जाता है, आउटफील्ड वैसे भी स्लो है, पिच भी स्लो है, तो हिटिंग नहीं लगती। अगर फर्स्ट 10 ओवर से पाकिस्तान थोड़े हार्ड चले जाते 75, 80 या 70 रन बना लेते और लास्ट 10 ओवर में हमें 40-45 रहते तो इवन अगर दरमियान में हम चोक भी कर जाते तो इन द एंड वी वुड हैव फिनिश्ड, वी वुड हैव टच्ड द फिनिश लाइन। और बेसिकली अगर पाकिस्तान पहले 3-4 ओवर में 30-40 रन कर लेता तो गेम किल हो जाता, गेम किल हो जाता, वहां पे ही इंडिया का मोमेंटम ब्रेक हो जाता और इंडिया को यह पता चल गया था कि पाकिस्तान स्लो खेल रहे, हमें मौका मिल रहा है और कमजोर बॉलर्स के ओवर निकालने का भी, उन्हें पता था कि आखिर में बुमराह के 2-3 ओवर है और वो हमारे लिए मैच निकाल लेगा और वही हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये जो माइंडसेट है जो हम भी कहते हैं कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स में, पाकिस्तानी कैप्टन में स्पेशली गेम अंडरस्टैंडिंग और गेम असेसमेंट की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह इंटेंट के साथ खेलते रहे 5 ओवर्स में 26 रन और उनको मतलब ये वो ये सोच रहे थे कि यार ये कोई दुबई की पिच है या कोई और पिच है जहां पे हम 120 5 ओवर में 26 रन बनाकर 18 ओवर में चेस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको ये मालूम करना चाहिए था कि यार उनके पास भी बॉलर्स हैं और यही गेम अवेयरनेस की बात है कि यार बुमराह और इन जैसे बॉलर जो कि आखिर डेथ में इन पे अटैक करना बहुत मुश्किल है, और जब आपको पता है कि आखिरी 5 ओवर में 2 ओवर बुमराह के करने हैं तो आपने 15 ओवर में ही गेम फिनिश करना होता है। बाबर आजम की पैथेटिक बैटिंग, रिजवान की पैथेटिक बैटिंग और औरों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि जो कि हमारे पास इफ्तिखार अहमद हो गए, उनकी तो मैंने तो पहले ही कहा था कि वो सीनियर सिटीजनशिप कोटा पे आए हैं और वो तो इस वर्ल्ड कप के बाद फारिग हो जाएंगे, उनके लेवल ही क्लब क्रिकेट और पीएसएल के इंटरनेशनल के लिए वो लोग बने ही नहीं है। अच्छा मुहित, बाबर आजम इन बिग मैचेस, बाबर आजम इन बिग मैचेस, अब मैं क्या कहूँ, इज अ डैम्प स्क्विब, इसके लिए यही टर्म यूज हो सकता है और तो कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़े मैचेस में सिवाय इंडिया के अगेंस्ट कोई भी बड़े मैच में बाबर आजम नहीं चला और उनके फैंस कमेंट चलते हैं अगेंस्ट इंडिया 152 152 उसके अलावा किसी बड़े मैच में नहीं चला। वो तो मेरे ख्याल से दुबई में 152 टारगेट, वो पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात आपको सबको तलख लगेगी लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं वो टॉस कप था बेसिकली, जो टीम टॉस जीतती थी दे यूज्ड टू बोल फर्स्ट टारगेट, और उसमें आप जाके उसके रिजल्ट्स देख लें तो जितने भी बड़े मैचेस हुए हैं सारे चेजिंग टीम ने जीते हैं, आप जो सेमीफाइनल हारे वो भी चेजिंग की वजह से हारे क्योंकि दूसरी टीम चेज करी थी, तो ऑल द बिग मैचेस वर विन बाय टीम्स बैटिंग सेकंड, तो वो भी टॉस का बड़ा फैक्टर था। और मैंने कहा से पाकिस्तान का स्किल लेवल नहीं है इंडियन टीम को इन कंडीशंस में या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हराना। अच्छा रिजवान की थिंकिंग पे हम जाते हैं,
हार्दिक पांड्या का पूरा ओवर वो डॉट खेलते हैं और बुमराह पे पहले ही बॉल से वो अटैक करते हैं, मतलब इंडिया उसे लाई ही बुमराह को इसलिए थी कि वो विकेट निकाले और उसके बाद रोहित शर्मा अक्षर पटेल का ओवर निकालेंगे। तो आपने वो एक ओवर टारगेट करना था अक्षर पटेल का, हमेशा बड़े बैट्समैन ही थिंकिंग करते, विराट कोहली को हमने देखा नवाज के ओवर के लिए इंतजार कर रहा था, इस तरह हर बैट्समैन, रिजवान को पता था कि एक और स्पिनर का आने वाले लेकिन उसने बुमराह पे शॉट मारने की ट्राई की। बहुत पैथेटिक, यही तो एग्जैक्टली मैं बार बार जब कहता हूँ कि गेम अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअलिटी, तो वो इसको कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार क्रिकेट जो गेम है वो बस बैट बॉल मारने की, नहीं आपने थिंकिंग करनी होती है। देखो लास्ट 6 ओवर्स में एक ओवर स्पिनर का था, 15th ओवर बुमराह ने किया, उसके बाद 16th ओवर अक्षर पटेल ने किया, अक्षर पटेल ने सारा ओवर मिस कर दिया, इमाद हसीम भी उसमें सिर्फ एक रन आया, अगर उस ओवर में रिजवान मौजूद होते तो कम से कम 10 रन आ जाते और मैच 24 बॉल में 25 तक मैच आ जाता, विच फिर आखिर में हम चेस कर लेते। लेकिन यही मैं कहता हूं कि गेम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और आप दूसरी बात, इस ग्राउंड में नसाओ ग्राउंड में लेग साइड की बाउंड्री इज द बिगेस्ट, अगर आप बुमराह पे शॉट टारगेट कर भी रहे हैं क्रॉस शॉट जो बुमराह पे मारना है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और आप टारगेट भी लेग साइड पे कर रहे हैं जो कि अबाउट 80 मीटर बाउंड्री है, वो लेग भी जाता तो कैच, लेग भी जाता तो कैच हो जाता, बोल्ड के बजाय आप कैच हो जाते हैं, तो आपने स्ट्रेट बैट से खेलना था। आई थिंक फिर लोग कहेंगे कि यार तुम्हें क्या पता रिजवान प्लेयर है और वो इतने टाइम से खेल रहा है आपको क्या पता, नहीं गेम की टेक्निकलिटीज होती है जो कि समझनी होती है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा उसके बाद पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी गलती, शादाब खान को खिलाना, मतलब मुईद आपने शादाब खान को एक ओवर भी नहीं दिया, इससे अच्छा नहीं था कि आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला लेते, मतलब आजम खान भी अच्छा होता, साइम अयूब भी अच्छा होता, आपने एक बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाया सिर्फ बैटिंग के लिए। बाबर आजम ने ये कितना बड़ा गैम्बल और ब्लंडर, यस एग्जैक्टली दिस वाज अ मैसिव ब्लंडर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। आपके पास ऑलरेडी इमाद वसीम भी मौजूद था, आपके पास इफ्तिखार अहमद भी, आपने एक और इफ्तिखार अहमद पे भी कराया, आपने तीनों और इमाद वसीम पे कराया, जब आपने उन पे बॉलिंग नहीं करी शादाब खान पे, तो इन कंडीशंस में अगर आप साइम अयूब को खिलाते तो अगर वो वन डाउन या टू डाउन निकल के कुछ शॉर्ट्स वॉर्ट्स मार देते, एक चक्का भी मार वही छह रन से पे प्रेशर आ जाता। आप अगर आजम खान को भी खिला लेते, हमें पता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, बट हु नोज क्या पता वो एक दो छक्के मार लेते, मे बी अक्षर पटेल को टारगेट कर लेते, तो किसी को कुछ नहीं पता होता, कभी कभी कनेक्ट हो जाता वैसे छक्का, तो ये बड़े गेम चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं। और पाकिस्तान, अच्छा इंडिया पे प्रेशर इसलिए भी कम था क्योंकि उन्हें पता था कि हम 5 आउट कर लेंगे और बैट्समैन वी विल मूव इनटू द टेल। इंडिया का टेल ऑन कॉन्ट्रास्ट आप देखें तो इंडिया का टेल बहुत ही बड़ा था, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से टिल 9th वो बैटिंग कर देंगे, उन्होंने शिवम दुबे को भी खिलाया, हार्दिक पांड्या को भी खिलाया, जडेजा को भी खिलाया, अक्षर पटेल ऑल कैन बैट, तो यही मसला है कि पाकिस्तान मैच हारी ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग इन सिलेक्शन। और यही बात मैं करता हूँ कि बाबर आजम को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ कंफ्यूजन की हालत में करते हैं, मतलब उन्हें पता नहीं होता कि अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो ये क्या करेगा मेरे लिए, उन्हें लग रहा था कि शादाब खान ने पिछले मैच में 40 रन कर लिए तो वो एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं। आप कभी भी बॉलिंग ऑलराउंडर को एज अ बैट्समैन सेलेक्ट नहीं करेंगे कभी भी, मतलब अगर आप उसे ओवर नहीं देंगे आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन को ही सेलेक्ट करना कंसिडर करेंगे, जो बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती थी। और मुईद कौन सी मैच में गलती थी, बॉलिंग की तारीफ थोड़ी करते हैं। जी बॉलिंग पाकिस्तान ने अच्छी की, पिच भी मतलब इट वॉज हेल्पर फॉर बॉलर्स, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करूंगा पाकिस्तानी बॉलर्स, क्योंकि ऑल आउट करना नो मैटर जैसी भी पिच हो, इंडियन टीम को ऑल आउट करना और 119 पे ऑल आउट करना इट इज नो मीन फीट। जिस तरह शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग की, मोहम्मद आमिर उनकी तारीफ बनती है क्योंकि उन्होंने जिस तरह स्टार्ट में नहीं मिडल में आके, क्योंकि हम यही कहते थे ना कि पाकिस्तान कहाँ पे लैग करते, वो ये कि मिडल में विकेट्स नहीं ले पाता पाकिस्तान, और आज कल वो हुआ कि हमने मिडल में विकेट्स ली, मोहम्मद आमिर ने आके कोलैप्स करवाया इंडिया का और ऑलमोस्ट मतलब उनको ऑल आउट करने वाले थे 98 रन पे। तो मैं तारीफ करूंगा नसीम शाह की, नसीम शाह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और शाती मतलब जितने भी चारों फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये रायगा चली गई ड्यू टू बाबर आजम पैथेटिक कैप्टनसी एंड पाकिस्तान पैथेटिक बैटिंग एंड देयर माइंडसेट। अच्छा मुईद, अगर 40 बॉल पे 45-50 चाहिए थे तो नसीम शाह या शाहीन को निकाल लेते कि चलो आप हिटिंग करो, मतलब अंधाधुन बैट सिर्फ घुमाओ, अगर 2-3 चक्के लग जाते या चलो एक चक्का भी लग जाता तो हमारे पास इफ्तिखार पीछे के लिए होता, इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एरर नहीं किया। ब्रेव डिसीजन बाबर आजम से, जब तक बाबर आजम कैप्टन रहेगा पाकिस्तान टीम का, आप ब्रेव डिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 4 या 5 आउट होने के बाद बाबर आजम नसीम शाह को बैटिंग के लिए निकाले या शाहीन अफरीदी को बैटिंग के लिए निकालेंगे, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं,
वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि फिर उनसे मतलब समझा नहीं जाता। मैंने आपको मेरे ख्याल से बाहर भी कहा था कि आप अगर टेंस्ड सिचुएशन में हो और आपका जो वाइस कैप्टन है अगर वो थोड़ा काम हो, क्योंकि कैप्टन पे बड़ा प्रेशर होता है और बाबर आजम तो बहुत ही प्रेशर लेते हैं, तो व्हाई नॉट यू हैंड ओवर द कैप्टनसी विद इन द मैच टू योर वाइस कैप्टन, या जो आप सीनियर प्लेयर को कंसिडर करते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली थोड़ा स्मार्ट है, आप उसको दें कैप्टनसी थोड़ी सी, ताकि वो थोड़े से डिसीजन ले टेक्टिकली और एनालाइज करे गेम को और आपको एक जबरदस्त किस्म का एक प्लान दे। तो वहां पे आप रिजवान को दे सकते थे कि वो कहें कि यार मैं किसको निकालूं। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम जितने भी डिसीजन लेते हैं मेनली वो गलत साबित होते हैं, करंट सिचुएशन में तो मेनली गलत साबित। हाँ, वो मेरे ख्याल से प्रेशरलेस सिचुएशन में, बायलैटरल सीरीज में, या अगर सिचुएशन हो जो गेम टंडा हो, तो उनके डिसीजन इन पैचेस अच्छे होते हैं, हमें कभी कभी पसंद भी आते हैं, लेकिन जब करंट सिचुएशंस आ जाते हैं तो वो कभी भी क्लिक नहीं करते और उनके प्लान्स बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो यही रीजन है, इंटेलेक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, एक और पॉइंट बाबर आजम की कैप्टेंसी पे, इफ्तिखार इन स्लिप्स, मतलब पिछले मैच में वो कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं, आप फिर इफ्तिखार को स्लिप में खड़ा करते हैं, जबकि आप खुद एक अच्छे स्लिप फील्डर हैं, टेस्ट मैचेस में आप स्लिप में खड़े होते हैं, फिर भी आप इफ्तिखार को स्लिप में खड़े कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कल आपने देखा कि इंडिया ने सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, कभी सूर्य कुमार यादव को स्लिप में खड़ा किया था और कभी विराट कोहली को, तो दीज टू आर देयर बेस्ट फील्डर्स। आपने इन दोनों को देखा होगा कि वो किस तरह फील्डिंग करते हैं। विराट कोहली बड़े एनर्जेटिक फील्डर ही, सूर्य कुमार यादव ब्रिलियंट फील्डर, तो आप अपने इन पोजीशंस में स्लिप हो गया, फ्लाइंग स्लिप हो गया, या ऐसे पोजीशन जहां पे कैचेस तेज आते हैं, तो आपने वहां पे अपने बेस्ट फील्डर को खड़ा करना होता है, आप या खुद खड़े होते हैं या शादाब खान को आपने खड़ा करना होता है। तो ये स्लिप ऐसी पोजीशन है, क्योंकि एक तो ये बात है कि इफ्तिखार अहमद की एज भी ज्यादा होगी, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, तो आप अपने ऐसे यंग फील्डर को खड़ा करें जिसके रिफ्लेक्सेस तेज हो, जो कि सिचुएशन को हैंडल कर सके और कैच पकड़ सके। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हाफ चांसेस हैं, अगर ये टाइम पकड़े जाते हैं तो फिर स्कोर 119 से 100 या 90 तक पहुंच जाता है। अगर ऋषभ पंत का ओके हो जाता तो 80 तक भी इंडिया रोक सकती थी, लेकिन हम ये चीजें नहीं कंसीडर करते। बिल्कुल, हम करते कि यार फील्डर्स कैचेस मिस कर रहे, बाबर आजम की क्या गलती है? जब बाबर आजम गलत फील्डर को गलत जगह पे खड़ा करेगा तो फिर बाबर आजम की गलती होगी, ये बात फैंस नहीं मानते। अभी भी कुछ लोग बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब चलो अब तक तो ठीक था, अब तो सपोर्ट करना बंद करें ना। मतलब जी बिल्कुल, सपोर्ट इस तरह नहीं, सपोर्ट तो हम पाकिस्तान टीम को करते हैं, किसी कर लेते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान टीम की नाकामी की एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान की जो टॉक्सिक फैन बेस जो कि किसी इंडिविजुअल प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए मैचेस देखती है कि यार पाकिस्तान जाए बाढ़ में, लेकिन इस बंदे की 50 हो जाए, इसकी ये 60 बना ले, ये विकेट ले ले, नहीं बहुत सारे जो जिसको हम पता नहीं स्लैंग लैंग्वेज में बावर सन्स कहेंगे, तो वो जो ये वो ये कंसिडर करते हैं कि यार बाबर आजम का कवर ड्राइव की हम एस्थेटिक बना लेंगे या वो 50 बनाए तो वो हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। नहीं, बाबर आजम अगर जीरो भी बनाए ना और अगर टीम जीते तो उस जीरो की ज्यादा वैल्यू है एज कम्पेयर टू वो 50 जिसमें टीम हारे। इसी तरह रिजवान के कुछ फैंस हैं, शाहीन के कुछ फैंस हैं, तो नहीं, आपने एज अ टीम सपोर्ट करना होता है, आपने अपनी टीम को प्रॉपरली सपोर्ट करना होता है, और आप अभी सपोर्ट, आप बाबर आजम की कैप्टनसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, बाबर आजम की बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारी टीम है क्योंकि हमारी मुल्क की टीम है, लेकिन बाबर आजम की किसी भी आप डिपार्टमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो अपने आप में चेंज लाएं, मेरे ख्याल से अभी तो उनको अगर थोड़ी सी भी उनमें अगर गैरत या इज्जत बाकी रहेगी ना कैप्टनसी पे, तो वो कैप्टनसी इस वर्ल्ड कप के, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में तो छोड़ नहीं सकते, इस वर्ल्ड कप के बाद वो डायरेक्ट खुद रिजाइन करें, अगर पीसीबी उनको हटाए ना हटाए वो खुद रिजाइन करें, ठीक है। और जो देखो मैं बताता हूं, अगर मुझ में, मैं अगर किसी बंदे की जगह ले रहा हूं ना एज ए सीनियर प्लेयर और मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मुझ में इतनी अकल होनी चाहिए, अगर मैं मुल्क के साथ सिंसियर हूं ना, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं बस टीम से चला जाऊं। तो आई थिंक इफ्तिखार अहमद शुड डू दिस। इस वर्ल्ड कप के बाद इमाद वसीम को भी बस जाना चाहिए, मोहम्मद आमिर को भी जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह ले रहे हैं यंगस्टर्स के, और जो और प्लेयर्स हो गए जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आई थिंक उनको भी बिठाना चाहिए, और जो डोमेस्टिक सर्किट में प्रॉपर डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको लाना चाहिए। और मेरे ख्याल से बाबर आजम, और ये बड़ा टफ डिसीजन है और मैं बड़ी टफ बात कर रहा हूं, आप लोग एग्री नहीं करेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या कह दिया, मैंने कहा मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम और रिजवान को भी T20s में अभी नहीं खेलना चाहिए। अच्छा मुहित, बस वीडियो को शॉर्ट करते हैं, लास्ट एक दो बातें। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट में इतनी कमी है कि हम
रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ले आए। मतलब हमारे पास इतना कोई प्लेयर नहीं है, हर गली में क्रिकेट होती है, हर गली में प्लेयर। आपको हैदराबाद में 2-3 अच्छे अच्छे प्लेयर्स के नाम आते होंगे, पिशावर में 50-60 के आते होंगे, लेकिन हम फिर भी वर्ल्ड कप के लिए रिटायर्ड प्लेयर्स को लाते हैं। मतलब सही है, आमिर ने परफॉर्मेंस दी, मतलब वसीम ने परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनको लाना ही नहीं चाहिए था। मतलब टीवी पे बैठ के आपने सिर्फ उनके मुंह बंद करने के लिए उन्हें टीम में लाया है। तो डोमेस्टिक सर्किट फिर किस लिए हो रहा है? मतलब अगर आप उनके परफॉर्मेंस को चांस ही नहीं देंगे। बहुत ऐसे बॉलर्स है, ताबिश खान जो भी रिटायरमेंट के करीब है, कामरान गुलाम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप रन स्कोरर हर साल होते हैं, इस तरह बहुत नाम है, लेकिन फिर भी हमें मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आमिर को ले आए। आई थिंक डोमेस्टिक सर्किट पाकिस्तान का बहुत ही वीक हो गया है, और इसकी वीकनेस एक ये वजह भी है कि पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं उनका डोमेस्टिक सर्किट पे जो उनका एतमाद था वो खत्म हो गया, क्योंकि उनको पता है कि हम जितने भी परफॉर्मेंसेस दें तो आपने फिर वही पुराने प्लेयर्स को मौका देना है। जब राइट टाइम पे आप परफॉर्मेंसेस दें कि यार मुझे वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा, मुझे इस बड़े मैच में मौका मिलेगा, नहीं, आप बेतहाशा परफॉर्मेंसेस दे दें, लेकिन वर्ल्ड कप पे फिर हसन अली जैसे प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, फिर मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाता है, फिर इमाद वसीम को वापस लाया जाता है, फिर शादाब जैसे प्लेयर को फिर से विद आफ्टर ऑल दीज फेलियर्स उनको सेलेक्ट किया जाता है, आजम खान को सेलेक्ट किया जाता है। तो डोमेस्टिक सर्किट तभी स्ट्रांग होगा जब आपके जो डोमेस्टिक में जब आप रिस्पेक्ट देंगे, जब आप रिसेंट परफॉर्मर्स को जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, इवन अगर आपके मेन प्लेयर्स भी डोमेस्टिक और रिसेंट में परफॉर्म नहीं कर रहे ना, तो आपको उन्हें टीम में जगह नहीं देनी चाहिए। आप पीएसएल के बेस पे किसी एक या टू मैच वंडर को आप मौका देते हैं जो कि एक या दो मैचेस में परफॉर्म कर देते हैं, आप उनको T20 टीम का जगह में जगह दे देते हैं, आप उनको वनडे में भी जगह दे देते हैं, और सरप्राइजिंगली आप उनको टेस्ट टीम का हिस्सा भी बना लेते हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज। तो यही रीजन है कि डोमेस्टिक सर्किट हमारा बहुत ही डाउन हो गया है, और इनको हमने खुद ही डाउन किया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम डोमेस्टिक सर्किट को स्ट्रांग करते हैं, लोगों का ट्रस्ट उसमें बढ़ा देते हैं प्लेयर्स का, कि वो उनको हम ये एतमाद दिलाएं कि आप परफॉर्मेंस दें, हम आपको लाएंगे। आपने एक यूएई से प्लेयर को यहाँ पे मौका दे दिया जो कि उस्मान खान है, वो यूएई में खेलते रहे, यूएई में उन्होंने डोमेस्टिक खेला, उनको वहां की लीग्स खेली, लेकिन आपने अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो अब वो लोग फिर यूएई जाएंगे, फिर आप कहते हैं कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स यूएसए जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, और फिर वो वहां जाके आपकी टीम को हरा देते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा से भी शायद हार जाए, और पहले मेरे ख्याल से कनाडा, पाकिस्तान के मैचेस भी जल्दी रखें कि बस यार 16 को फारिग हो जाए, और फिर बड़ी ईद है फैमिली के साथ बाबर आजम की पिक्चर आए, व्हाइट सलवार कमीज और बकरा हो, और फिर लोग कमेंट करें कि गोट और सिंपति ले ले। देखिये बाबर आजम की तस्वीर आएगी अम्मी अबू के साथ, और फैन सारी गलतियां भूल जाएंगे कि यार रिस्पेक्ट है, ये है वो है। तो चलो मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।